कोई सा भी फ्लाइट होगा, बाहर का कार्टून नहीं चलेगा। फाइनली बैठ गए फ्लाइट में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ छुट्टी में। तो अभी मैं हूँ दुवानिया के अंदर, ये है छोटा मेरा रूम। इस वीडियो में आप लोगों को सऊदी से लेके इंडिया तक पूरा जर्नी आप लोगों को दिखाएंगे। जो भी भाई अभी इस टाइम इंडिया में जाने वाले हो, इस वीडियो में आप लोगों को ढेर सारे जानकारी मिलेगी। दोस्तों पैकिंग हो गया है और सामान भी रेडी है, सिर्फ गाड़ी आने का इंतजार है। गाड़ी आएगा तो हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 5 घंटा टाइम लगेगा। उस 5 घंटा में फ्लाइट से हम इंडिया पहुंच जाएंगे। ये 3 लगेज हुआ है मेरा, 30 किलो सामान था लेकिन 2 किलो ज्यादा हो गया है। देखते हैं ये छोड़ता है या इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों सुबह में निकला था बिना नाश्ता किए हुए, तो अभी दुकान में नाश्ता करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से टाइम लगता है तकरीबन 4 घंटा से लेके 5 घंटा टाइम लगेगा बस में। तो तब तक पहुँचते हैं, देखते हैं। ये लगेज पैक हो रहा है, इस गाड़ी से हम लोग जाएंगे दमम एयरपोर्ट तक। दोस्तों 3 घंटा बस चला, 3 घंटे के बाद हम लोग रुके हैं एक महत्ता में, मतलब पेट्रोल पंप में। इस पेट्रोल पंप में खाना भी खाना है दोपहर का और नमाज भी पढ़ना है दोहर का। तो देखिए पेट्रोल पंप यहाँ का कुछ इस तरीके का। ये होटल और वो है मस्जिद, वहाँ पे नमाज पढ़ के होटल में जाके खाना खा के फिर बस छूटेगा यहाँ से। होटल में बैठा खाना खाएंगे यहाँ पे। ये दोनों भाईजान है, एक है पाकिस्तानी और एक है हमारा इंडियन भाई। हम लोग एक साथ बस में है। दोस्तों अभी आ गया हूँ एयरपोर्ट में, दमम एयरपोर्ट में अभी एंट्री हुआ है। अभी 4:30 बजा है, मतलब 5 घंटा टाइम लगा है दमम एयरपोर्ट में आने के लिए। तो अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों दमम एयरपोर्ट में मेरा एंट्री हो गया, तो यहाँ से मेरा फ्लाइट जो है 1:05 में, मतलब यहाँ पे मुझे 5-6 घंटा इंतज़ार करना है, उसके बाद ही मेरा टाइम आएगा फ्लाइट में जाने के लिए। तो इमिग्रेशन जब होगा तभी आप लोगों को दिखाएंगे कि इमिग्रेशन में क्या क्या पूछता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग देखिए एयरपोर्ट के अंदर का व्यू बढ़िया लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनली बोर्डिंग पास भी मिल गया और इमिग्रेशन भी हो गया है। अभी दिल में इतना खुशी है कि क्या बताए कि हाँ अभी मैं जाने के लिए तैयार हूँ अपना मुल्क में, अपना वतन। फाइनली दोस्तों फ्लाइट में चढ़ने का टाइम हो गया। ये है फ्लाइट में चढ़ने का रास्ता, कुछ इस तरीके का है। फाइनली बैठ गए फ्लाइट में, यहाँ से 3 घंटा 50 मिनट, 4 घंटा तकरीबन। दमम से मुंबई जाने के लिए फ्लाइट टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो गया है, तो अभी फ्लाइट टेक ऑफ होगा। दोस्तों फाइनली मुंबई एयरपोर्ट में पहुंच गया अपना मुल्क में, आप लोगों के साथ टाइम बिताएंगे। तो यहाँ का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ मुंबई एयरपोर्ट का, वो भी देखिए। यहाँ से मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो मेरे को लगेज यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर दूसरा फ्लाइट में लगेज देना पड़ेगा, तो अभी आया हूँ लगेज लेने के लिए। अगर आप लोग भी कनेक्टिंग फ्लाइट में आते हो, दिल्ली से आते हो या मुंबई में आते हो, तो यहाँ से भी कहीं पे जाते हो तो आप लोगों को लगेज जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा फ्लाइट में लगेज लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं लगेज लेने के लिए आ गया हूँ, तो लगेज ले लेते हैं। हम लोग लगेज लेने के लिए खड़े हैं, ये भाई साहब और हम एक साथ आए हैं सऊदी से। अभी आए हैं हम लोग मुंबई में, दूसरा फ्लाइट मेरा जो है वो है 6 बजे। यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा 8-9 घंटा। यहाँ से भी लगेज जो है
कलेक्ट कर लिया और ये लगेज जो है दूसरा फ्लाइट में फिर देना पड़ेगा। मुंबई एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया है यार, मैं जिंदगी में पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको इधर? अच्छा लग रहा है। मैं कभी भी मुंबई होकर नहीं गया हूँ। दिल्ली से और लखनऊ से गया था। इससे पहले मेरा दिल्ली से और दुबई से था, ये भी मेरा भी फर्स्ट टाइम है मुंबई। ये भाई जाएगा गोरखपुर, मैं जाऊंगा कलकत्ता। चलो मिलते हैं फिर बाद में, फोन में बातचीत तो होता रहेगा ना, नंबर तो है आपके पास। दोस्तों दूसरा फ्लाइट में चढ़ने के लिए आ गया हूँ, उस फ्लाइट में लगेज भी दे दिया। दूसरा फ्लाइट छोड़ने का टाइम अभी बाकी है 5 घंटा, 6 बजे फ्लाइट छोड़ेगा मुंबई से कलकत्ता जाने के लिए। दोस्तों कोलकाता जाने के लिए फ्लाइट में मैं बैठ गया। सऊदी से जब आया था उस टाइम भी मेरे को बाइना साइड में विंडो सीट मिला था, और जब मुंबई से कोलकाता जा रहा हूँ उस टाइम में भी विंडो सीट मिला है, वो भी बाइना साइड में। दोस्तों फाइनली कोलकाता एयरपोर्ट में आ गया हूँ, तो यहाँ से सिर्फ लगेज लेना है, यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होगा क्योंकि मुंबई में इमिग्रेशन हो गया था। यहाँ से लगेज लेके फिर बाहर चलते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये कोलकाता एयरपोर्ट का कुछ इस तरीके का व्यू है। ये कार्टून क्या सबके लिए लागू है क्या? बाहर का कार्टून नहीं चलेगा, अंदर में आके कार्टून करना पड़ेगा। ये कार्टून लेना पड़ेगा। अच्छा कितना रियाल करके ले रहा है एक कार्टून का? एक कार्टून का 50 रियाल।